सो गाइस टिकटॉक लवर्स के लिए गुड न्यूज है। जिस तरीके से आप लोग परेशान है कि टिकटॉक आ जाए, उसी तरह से कहीं ना कहीं टिकटॉक भी बेहाल है, परेशान है कि मैं भी भैया इंडिया के अंदर जाऊं। और इसी पर भारत की तरफ से रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ चीजों की डिमांड की गई है। अब देखना यह है कि टिकटॉक उस डिमांड को पूरी कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। अगर टिकटॉक सही तरीके से उस डिमांड को पूरी कर देता है और फिर चेकअप में अगर कोई भी नुक्स नहीं पाया जाता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से क्लियर होता है, जिसमें हमारे डेटा को कोई भी खतरा नहीं है, तो फिर से टिकटॉक इंडिया के अंदर वापिस आ जाए और प्रॉपर तरीके से रन करने लगेगा। लेकिन वहीं पे डिमांड्स को पूरी करने के बाद अगर उसमें कुछ गलतियां पाई जाती है तो भैया टिकटॉक जहां है वहीं पे रहने दिया जाएगा, यहां पे घंटा भी नहीं आने दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर चाइना के 59 एप्लीकेशन को बैन किया गया है, और साथ ही में रीजंस की बात करें तो रीजन बताया गया है डेटा की सुरक्षा को लेकर। लेकिन इसी पर रेस्पॉन्ड करते हुए इंडिया की तरफ से अब 79 क्वेश्चन को पिक किया गया है और वो भेजा गया है चाइनीज कंपनियों के पास में और जवाब मांगा गया है, और उन कंपनी में टिकटॉक हेलो भी शामिल है। और इन 79 क्वेश्चनों के लिस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं वो कंपनी के बारे में पूछा गया है, कंपनी के फंडिंग के बारे में पूछा गया है, डेटा की सुरक्षा को लेकर पूछा गया है, मतलब तरह तरह के कंपनी से सवाल किए गए हैं कि भैया ये लो बैन करने के बाद में हमारी तरफ से 79 क्वेश्चनों की पप्पी, और इस पप्पी का जवाब हमें मीठी मीठी पप्पी में चाहिए, और अगर एक भी थूक निकले ना तो मार के मुंह तोड़ देंगे और घंटा भी इधर आने नहीं देंगे। मतलब कुल मिलाकर यू कहे तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जवाब मिलने के बाद में हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो खुफिया एजेंसी है और उससे जो जानकारी मिली है, उनकी जानकारी को और कंपनी के जवाब से दोनों को मैच किया जाएगा। और मैच करने के बाद अगर कुछ ऐसी तैसी निकलती है, मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी चीज है जो हमारे डेटा के लिए खतरा हो या फिर हमारे इंडियन यूजर के लिए सही नहीं हो, तो फिर टिकटॉक को बैन ही रहने दिया जाएगा। और अगर कुछ ऐसी चीजें नहीं निकलती है जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है, तो फिर से टिकटॉक को अनबैन कर दिया जाएगा, यानी फिर से इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से रन करने लगेगा। और अगर टिकटॉक वापस आ जाता है तो यार प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस बार अपने सही टैलेंट को दिखाना, और खास करके मैं लड़कों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी उन लड़कों से जो लड़के लड़की बनते हैं। यार प्लीज छोड़ दो ये सब, क्यों दिल में फालतू अरमान लिए घूम रहे हो? भले ही कैमरा के सामने तुम लड़की बन जाओगे लेकिन माँ कभी नहीं बन पाओगे। खैर, कुछ कंपनियों ने अपने बिजनेस और अपने डाटा के रिगार्डिंग हमारी जो इंडियन आईबी है यानी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इससे मीटिंग के लिए मांग की है। और अगर वीडियो देख ही रहे हो तो ये भी बता दूं कि इंडिया के अंदर टिकटॉक के बैन होने से लगभग $6 बिलियन के नुकसान होने की भविष्यवाणी की जा रही है। और साथ ही में चीनी डिजिटल ने ये कहा है कि वह अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए सुपुर्द है, साथ ही में वह अपनी कंपनियों के साथ में कुछ चेंजेस करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही में अगर आपको एक बड़ी चीज बताऊं तो सरकार ने उन चीजों के बारे में भी जानकारी मांगी है जो हमारे एक्स्ट्रा डाटा को एक्सेस करती है, जिसके जरिए हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए, हमारी गतिविधियों का पता लगाने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और आपको क्या लगता है कि टिकटॉक पूरी तरीके से क्लियरिफाई कर पाएगा कि बिल्कुल हम सही तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि ये चाइना वाला है, चाइना में चिंदीगिरी बहुत ज्यादा चलता है। खैर, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही में हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो को अंगुली से लाइक कर करके बोर हो गए हैं, इस बार ऐसा करते हैं कुछ अलग तरीके से लाइक करते हैं। वीडियो को आप अपने नाक से लाइक कीजिए और हमें बताइए लाइक होता है या फिर नहीं होता है। मिलते हैं हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।